असलम व्यूअर्स वेलकम टू फूड वन ओ वन आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता आ, बहुत ही इजी सी रेसिपी है फटाफट बन जाती है अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं तो आ, ये बहुत ही मज़े का बनता है कुछ लोगों को वाइट सॉस पास्ता पसंद है वाइट सॉस पास्ता की भी रेसिपी जल्द लगाई जाएगी टिल देन इन्जॉय रेड सॉस पास्ता सबसे पहले आप लेंगे एक पैन उसमें आप डालेंगे दो टेबल ऑयल उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे चॉप हुआ हुआ लहसुन उसको थोड़ा सा साटे करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आ, एक अदद प्याज अगर प्याज बड़ा है तो आप हाफ ले लें और उसको चॉप कर लें चॉप करके आप गार्लिक के साथ ऐड करके थोड़ा सा साटे करेंगे जब आपका प्याज जो है थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ब्राउन नहीं करना आपने प्याज बस प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा कलर जरा से चेंज करेगा तो आपने यहाँ पे टमेटो पेस्ट ऐड करना है टोमेटो कैचअप नहीं डाल देना ठीक है टमेटो पेस्ट डालना है मैंने आ, थ्री टेबल स्पून टमेटो पेस्ट डाला है उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद हम इसमें डालेंगे पहले अच्छे से मिक्स कर लें यहाँ पे हमने डाली है आधा चम्मच काली मिर्च मैंने वन बाय फोर टी डाला है चिल्ली फ्लेक्स फिर मैंने वन बाय फोर टी रेड चिली डाली है फिर सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे छः से सात टेबल स्पून क्रीम क्रीम को मिक्स करने के बाद आप इसमें डालेंगे हाफ कप दूध ठीक है तो वो ये जो कंसिस्टेंसी आपकी देखिए बहुत गाढ़ी हो गई उसको पतला कर देगा यहाँ पे हमने दूध ऐड किया अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हमने इसमें ऐड करना है बटर बटर डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल uh, हुआ हुआ पास्ता मैंने बॉयल हुआ हुआ हाफ़ कप पास्ता लिया है uh, पास्ता आप अपनी चॉइस का कोई सा भी ले सकते हैं यहाँ पे हम ऐड करेंगे पास्ता और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी सॉस रेडी हुई है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें टेस्ट डिवेलप हो जाए ठीक है जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़ अपनी चॉइस का आप कोई सा भी चीज़ डाल सकते हैं मैंने चेडर चीज़ डाला है आप मोज़रेला भी डाल सकते हैं कोई और चीज़ आपको पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं उसके बाद इसको अच्छे से साटे कर लें उसके बाद अपनी पसंदीदा डिश में डिश आउट करें ऊपर आप थाइम डाल सकते हैं अरगानो लीव्स डाल सकते हैं किसी चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं जितना गर्म सर्व किया जाएगा उतना ही टेस्टी होता है ये पास्ता तो प्लीज़ मेक इन दिस विंटर्स एन्जॉय विद योर फैमिली लाइक एंड सब्सक्राइब फूड वन ओ वन ज़रूर कीजिएगा और कोई और फरमाइश होगी तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा थैंक यू